आज हम लोग बात करेंगे कि वीडियो होस्टिंग के लिए कौन सी वेबसाइट या फिर कौन सी होस्टिंग सर्विस अच्छी है हाय गाइस मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और यहां पर मैं हेल्प करता हूं आप लोगों को एक बेटर सॉफ्टवेयर परचेजिंग डिसीजन लेने के लिए तो मुझसे जो एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है होस्टिंग से रिलेटेड वो ये है कि कौन सी जगह पर हमें अपने वीडियो फाइल्स को स्टोर करना चाहिए कौन सी होस्टिंग अच्छी है वीडियोस को अपलोड करने के लिए मुझे एक वीडियो स्टेटस वाला ऐप बनाना है कौन सी होस्टिंग पे मैं उसे अपलोड करूँ मुझे एक डाउनलोडेबल वेबसाइट बनानी है कहाँ पर उसे अपलोड करूँ मुझे एक स्ट्रीमेबल वेबसाइट बनानी है कौन सी होस्टिंग उसके लिए सही होगी तो आज मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ क्या साइड ग्राउंड ले क्या होस्टिंग ले क्या क्लाउडवेज ले कौन सी होस्टिंग अच्छी रहेगी तो आंसर है तीनों में से कोई भी नहीं ये जो भी चीज़ें होती हैं पहले एक चीज़ समझो जो हाई बैंडविथ वाला डेटा होता है जैसे कि आपके वीडियोस हो गए आपने कोई एक इमेज डाउनलोडिंग वेबसाइट बनाई है वो हो गई या आपने कोई स्ट्रीमेबल कंटेंट वाली वेबसाइट बनाई है वो हो गए उसके लिए यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज का ऑब्जेक्ट स्टोरेज के बहुत सारे और भी यूजेस होते हैं आर्काइव्स बनाने के लिए होते हैं बैकअप के लिए होते हैं बहुत सारे और भी यूजेज होते हैं लेकिन आज हम लोग इसका जो मेन फोकस रखेंगे वो रहेगा होस्टिंग के ऊपर तो ये जो हाई बैंड वाली चीजें होती हैं इन्हें हमें स्टोर करना पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट स्टोरेज के ऊपर तो क्या हम लोग नॉर्मल होस्टिंग का यूज नहीं कर सकते नॉर्मल शेयर्ड होस्टिंग या फिर मैनेज होस्टिंग का यूज नहीं कर सकते ऐसा नहीं है आप लोग उसका यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में उसका यूज कर सकते हो मैंने भी अपनी बहुत सारी वेबसाइट्स वेबसाइट उन्हीं का यूज करके रखा है जब तक आपकी कोई हाई ट्रैफिक नहीं आती तब तक आप उनका यूज कर सकते हो जैसे कि आपको थोड़े हाई टीयर वाले प्लान्स लेने पड़ेंगे जैसे कि अगर आप लोग तो होस्टिंग कर पे जा रहे हो तो उनका जो क्लाउड स्टार्टअप वाला प्लान है आपको वो लेना पड़ेगा बिक्रॉक पे जा रहे हो तो जो उनके क्लाउड होस्टिंग वाले प्लान्स है वो लेने पड़ेंगे तो आपको थोड़े हाई टीयर पर जाना पड़ेगा जो नीचे नीचे वाले प्लान्स रहते हैं वो आपके ये सारे हाई बैंडविथ वाले जो वर्क रहते हैं उसको अच्छी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे तो अगर आपकी ट्रैफिक कम आ रही है तो आप लोग इन सारी होस्टिंग्स पर गुजारा कर लोगे लेकिन जब आपके ट्रैफिक बढ़ना चालू हो जाती है जब बैंडविथ वो ज्यादा कंज्यूम करना चालू कर देता है तब आपको उसे शिफ्ट करना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट स्टोरेज के ऊपर और एक फन फैक्ट भी बताता हूं आपको शेयर होस्टिंग के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आप जो वीडियो फाइल्स रहती है जो आपके डाउनलोडेबल कॉन्टेंट्स रहते हैं उसको शेयर्ड होस्टिंग पे सेव करना टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेट करता है लेकिन स्टार्टिंग में कोई मना नहीं करता वो जब आपकी ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है तब वो लोग बोलते हैं कि यार आप हैंडवेज ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो आप वेबसाइट में डाउनलोडेबल कंटेंट दे रहे हो हम ये अलाउ नहीं करते हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है तो पहले के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो लेकिन बाद में आपको इवेंचुअली जब आपकी ट्रैफिक्स वगैरह बढ़ जाएगी तब आपको किसी ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे शिफ्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट स्टोरेज को आप लोग एक्सेस कर सकते हो अपने वेब इंटरफेस के थ्रू अगर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो एमेज़ॉन एस उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है डिजिटल ओशन की भी स्पेस है यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होती है एंड फिर यहाँ पर हमारे पास है लिनोट का ऑब्जेक्ट स्टोरेज एस थ्री ये तीन कुछ अच्छे ऑप्शन है हमारे पास मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग स्टार्ट करो डिजिटल ओशन से इजी टू यूज़ है प्राइजिंग इसकी काफ़ी अच्छी है एंड आपको यहाँ पे फ्री सी भी मिलता है तो आपके ऑब्जेक्ट स्टोरेज को पूरे वर्ल्ड से एक्सेस किया जा सकता है स्पीड में एंड अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाओगे तो आपको हंड्रेड डॉलर्स का क्रेडिट भी मिलेगा जो आप लोग यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट सिक्सटी डेज तक तो आप लोग अगले सात दिन के लिए इसे पूरी अच्छी तरीके से ट्राई करके देख सकते हो अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये स्टार्ट होता है डॉलर फाइव से टू फिफ्टी जीबी की स्टोरेज है वन टीबी ऑफ आउट बाउंड ट्रांसफर है एंड अपलोड जितना चाहे आप लोग यहाँ पे कर सकते हो तो मेरे हिसाब से ये चीज बिगनेस के लिए काफी अच्छा बन जाती है डॉलर फाइव में आपको एक टीबी का बैंडविथ भी मिल जाता है फ्री सी भी मिल जाता है आप लोग डेफिनेटली इसका यूज कर सकते हो ट्राई कर सकते हो सौ डॉलर का क्रेडिट तो आप लोगों को मिल ही रहा है और जैसे आपके लोगों की बैंडविथ बढ़ती जाएगी आप लोग इसे अपग्रेड भी कर सकते हो अब अगर मैं इसके लाइव डेमो की बात करूं तो यहाँ पर मैंने डिजिटल ओशन में स्पेसेस क्रिएट करके रखी है काफ़ी इजी रहता है इसको क्रिएट करना क्रिएट पे जाओ स्पेसेस यहाँ पे क्रिएट कर दो एंड देन यहाँ पर आप लोग अपनी फाइल्स को अपलोड करते हो आपको लिंक्स मिल जाते हैं एंड आप लोग उस लिंक्स को डाल देते हो अपने वेबसाइट में ऐप्स में जहाँ पर भी डालना है फॉर एग्जाम्पल ये रहा मेरा एक वीडियो ये मेरा एक साठ मिनट का वीडियो है ये मुझे यहाँ पर यू मिल गया है जैसे मैंने इसे यहाँ पर अपलोड किया था अब इस यू को मैं कहीं पर भी जाके डाल सकता हूँ पेस्ट कर सकता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इनकॉग्टों में हम लोग इसको खोलते हैं एंड ये रहा मेरा वीडियो इस वीडियो को मैं डायरेक्ट शेयर कर सकता हूँ जहाँ पर मुझे शेयर करना है और ये जो लिंक है यहाँ पर आपको के पी डेमो दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने इसको नाम दिया है और डॉट एच जी पी वन क्योंकि जो मेरा सर्वर है वो है सिंगापुर के ऊपर यहाँ पर मैंने किसी भी टाइप का सी डी एन नहीं यूज़ किया क्योंकि मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी तो आप लोग इस नाम को चेंज कर सकते हो यहाँ पर अपना डोमेन नेम भी यूज़ कर सकते हो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल एंड जैसे मान लो मुझे एक नई फाइल डालनी है मैं यहाँ पे अपलोड फाइल पे जाऊँगा फिर हम लोग जाते हैं T7 सेवन अनबॉक्सिंग ये वाला वीडियो मैं डाल देता हूँ मुझे प्राइवेट करना है कि पब्लिक करना है अगर मुझे लिंक चाहिए तो पब्लिक करना पड़ेगा अपलोड फाइल एंड ये यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो गई है इसी टाइप से मैं यहाँ पर इमेजेस को भी डाल सकता हूँ इमेजेस को मैंने डाल दिया इमेजेस का लिंक मिल गया अब आपको ये लिंक अपने आप या वेबसाइट या डाउनलोडेबल कंटेंट मान लो मेरी एक वॉलपेपर वेबसाइट है तो मेरे पास बहुत सारे यूज़र्स आते हैं तो उस केस में इसका यूज़ आप लोग कर सकते हो यहाँ पर आपने अपने वाल डाल दिए एंड देन ये वाले लिंक्स आपने शेयर कर दिए डाउनलोड के लिए डाउनलोड हाई रेजोल्यूशन वाल जो कि पाँच पाँच एम के होते हैं दस दस एम के होते हैं उसके लिए आप लोग इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं अब यहाँ पर ये मेरा वीडियो अपलोड हो गया है टी अनबॉक्सिंग ये लोड हो रहा है मोर यहाँ पे आप लोग परमिशन वगैरह इसकी मैनेज कर सकते हो कि प्राइवेट करना है पब्लिक करना है ये रहा मेरा लिंक लिंक पे जाते हैं हम लोग ये मेरा लिंक यहाँ पर खुल गया है और मेरा वीडियो यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो गया है तो इस टाइप से बकेट वर्क करती है एस थ्री स्टोरेज वर्क करती है ईजी रहता है सेम यहाँ पर आपको लिनोट पर भी मिल जाएगा लिनोट पर भी आप लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं जैसे यहाँ पर मैं गया ऑब्जेक्ट स्टोरेज के ऊपर आट बकेट पर क्लिक किया यहाँ पे मैंने नाम डाल लिया के पी डेमो रीजन्स में सिंगापुर सेलेक्ट कर दिया मैंने सबमिट कर दिया और यहाँ पर फिर मेरी वो अगेन ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्रिएट हो जाएगी मेरे पास फिर वो पैनल आ जाएगा, जाएगा जहाँ पे मैं अपलोड कर पाऊँगा डाउनलोड कर पाऊंगा और सारी परमिशंस को भी सेट कर पाऊँगा तो लिनोड में भी वैसा ही वर्क करेगा थोड़े बहुत माइनर चेंजेस रहेंगे एंड थोड़े बहुत आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने पड़ेंगे कि ये कैसे वर्क करता है कैसे यहाँ पर आपको अपलोड करना है कैसे डाउनलोड करना है कैसे इसमें आप लोग परमिशन वगैरह सेट करोगे तो थोड़ा सा स्लाइट लर्निंग प्रोसेस यहाँ पर रहेगा इसी टाइप से यहाँ पर अमेज़ोन की भी एस थ्री बकेट है यहाँ पर मैंने बना के रखी है के पी डेमो टू के नाम से अब यहाँ पर मान लो मुझे मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं पहले एक काम करते हैं एक्शंस ओके डिलीट डिलीट अब मान लो मुझे यहाँ पे जैसे मैंने वीडियो अपलोड करके कर रखा है या मैंने वीडियो पे क्लिक किया या मुझे वीडियो का लिंक यहाँ पर मिल गया अब ये सेम वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ जहाँ भी चाहूँ तो बेसिकली एस थ्री बकेट इसी टाइप से यहाँ पर काम करती है जो अमेजोन के एस थ्री है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है बिगनर्स के लिए तो इसलिए मैं यहाँ पर डिजिटल ओशन रिकमेंड करता हूँ बिगनर्स के लिए बल्कि एडवांस यूजर्स के लिए भी डिजिटल ओशन अच्छी है कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है एंड यहाँ पर और भी चीज़ें अपलोड कर सकता हूँ मैं मान लो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया ये थंबनेल उसके बाद नेक्स्ट परमिशन्स कैसी कैसी क्या क्या परमिशंस देनी है ये सब मैंने यहाँ पे देख लिया फिर ग्रैंड पब्लिक रीड ठीक है पूरी पूरी दुनिया को पढ़ने दो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कुछ और परमिशंस रहती है जो आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर सीखना पड़ेगा अपलोड कर देता हूँ इसको ये मेरा अपलोड हो गया फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे से एंड ये रहा मेरा थंबनेल तो इस टाइप से स्टोरेज काम पड़ती है आई रिकमेंड कि आप लोग डिजिटल ओशन से स्टार्ट करो आपको इसका लिंक क्रेडिट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सेम आपको लिनोट के साथ भी रहेगा लिनोट भी आप लोग नीचे से जाकर अप करोगे तो आपको हंड्रेड डॉलर का क्रेडिट मिल जाएगा आप लोग इसे भी टेस्ट यहाँ पर कर सकते हो इसको क्रिएट करना ईजी है आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत इसको सीखना पड़ेगा थोड़े वीडियोज देखने पड़ेंगे कि यहाँ पे कैसे स्पेसेस क्रिएट करनी है कैसे परमिशन को मैनेज करना पड़ता है तो थोड़ा सा एक हल्का सा स्लाइट लर्निंग कर रहेगा आपको थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा अगर आप डेवलप कर रहे हो तो यार इतना तो आना चाहिए आप लोगों को और अगर नहीं आता है तो फिर किसी भी डेवलपर को बोल देना वो आपके लिए इजीली सेटअप कर देगा इसके डॉक्यूमेंटेशन काफी इजी टू तो रीड है एंड काफी इजी है इसको इंप्लीमेंट करना सो आई होप आप लोग ये कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे जो आपकी वेबसाइट रहेगी या फिर जो आपका ऐप का कोड रहेगा वो आप लोग किसी भी शेयर या फिर मैनेज होस्टिंग पे रख सकते हो साइड ग्राउंड पे रख सकते हो होस्टिंग आर पे रख सकते हो ई टू होस्टिंग पे रख सकते हो क्लाउड वेज पे रख सकते हो वहाँ पे आपकी मेन वेबसाइट वहाँ पे आपका मेन कोड रहेगा और जो ये वीडियो एसेट्स है इमेज एसेट्स है डाउनलोडेबल एसेट्स है उसको आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज में रखना पड़ेगा मैं रिकमेंड करता हूँ डिजिटल ओशन से स्टार्ट कर दो लिंक नीचे मिल जाएगा ट्राई कर लो जाके डॉलर हंड्रेड का क्रेडिट भी है और लिनोड का भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा उसमें भी आपको डॉलर हंड्रेड का क्रेडिट मिल जाएगा अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाकर अप करोगे तो और भी इसके बहुत सारे पर्पज रहते हैं लेकिन आज हमने सिर्फ वीडियो होस्टिंग के बारे में ही बात करी सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस वन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्सअप दे दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन गुड बाय